अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू फरहीन द किचन। आज मैं आपके साथ पहाड़ी टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। लेट्स चेक द इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन ली है 500 ग्राम्स, इसे ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है, और कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, 8 to 9 गार्लिक्स और 1 inch का जिंजर का पीस और 5 to 6 ग्रीन चिलीज। हमें इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाना है। 1 whole लाइम जूस, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 4 tablespoon कर्ड, ब्लैक पेपर 1 tablespoon, फूड कलर ग्रीन फूड कलर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे फॉर 3 hours। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। वो देखिए, मैंने फाइन पेस्ट बनाया है, ऐसा ग्राइंड करना है। और चिकन को मैंने पहले भी टिप आपके साथ शेयर करी है कि चिकन को आप जो वॉश कर लें तो 10 मिनट्स के लिए 1 tablespoon विनेगर में सोक कर दें, उससे चिकन बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट और जूसी हो जाता है। और फिर उसे एक बार और वाटर चेंज कर लें और ड्रेन कर लें, और फिर चिकन हमारा रेडी है मैरिनेट होने के लिए। अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब हम 3 hours के लिए इसे मैरिनेट होने छोड़ देंगे, रेफ्रिजरेट में करेंगे। 3 hours हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब ये वुडन स्कीवर्स मैंने लिए हैं, वुडन स्टिक, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इसे रिंस कर लें, ड्राई कर लें, और एक एक पीस में इसमें डाल रही हूँ। हमें दोनों पीसेस के बीच में गैप रखना है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके। एट अ टाइम एक स्टिक में मैं 3 pieces अरेंज करूँगी, देखिए ऐसे बीच में गैप रखते हुए। पैन में ऑयल गरम कर लिया है, मैंने 2 tablespoon ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, अब मैंने स्टिक प्लेस की है। अब इस टाइम पे हमें फ्लेम लो रखना है, जब वन साइड अच्छे से हो जाए तब हमें टर्न करना है। यह ऐसी रेसिपी है कि जब आप कीटो डाइट कर रहे हों तभी भी अपने बोरिंग मील में से ऐड कर सकते हैं, और बहुत ही डिलीशियस है। ऑलिव ऑयल हेल्दी है एनीवेज, डाइट जब आप कर रहे हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये आज ऑलिव ऑयल में बनाना बताया है आपको। और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी होता है। अब देखिए, दोनों साइड अच्छे से रोस्ट हो चुकी है इसकी, हल्के लाइट ब्राउन इसमें डॉट्स आ चुके हैं, हमें इतना ही करना है। बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग हमारा पहाड़ी टिक्का बनके रेडी हुआ है। इसे मैंने लाइम वेजेस के साथ सर्व किया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और जब आप ट्राई करें तो मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।